सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टूना चिड़ा और अपने दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे सोनू और मोनू के साथ रहती है। पेशे से टूनी का पति एक किसान था और उसके पास छोटी मोटी ज़मीन भी थी और वो दूसरों की ज़मीन में भी खेती कर लिया करता था, तो पूरी बात उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब टूना चिड़ा अपनी टूनी से बोलता है, सुनती हो, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब वो पढ़ाई ख़त्म करके आए तो वो मेरे साथ अगर खेत में काम करने के लिए जाए तो हम दो वक्त के और ज़्यादा रोटी कमा सकेंगे, हमारी ज़िंदगी और अच्छी चलेगी। टूनी भी ये बात सुनती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। टूना बोलता है, अब इनके शादी की भी समय हो गई है और हमें इनकी अब शादी के लिए भी सोचना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसकी दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, अगर तुम बोलो, बच्चों से एक बार बात कर लो तो मैं वहाँ रिश्ते की बात करता हूँ। इन दोनों का घर बसाना भी ज़रूरी है, इनकी पढ़ाई तो हो ही चुकी है, घर बस जाएगा, हमारे साथ खेत में काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी और अच्छी होगी। ये बात सुन के टूनी बोलती है, हाँ जी, आपका प्लानिंग तो बहुत अच्छा है, मुझसे भी अब घर का काम नहीं होता है, दो प्यारी प्यारी बहुएँ आ जाएंगी तो घर के काम में भी आसानी होगी। आज आने दीजिए सोनू और मोनू को, आज जैसे ही आते हैं उनसे मैं ये बातें करती हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि वे बातें सुन के बहुत ही खुश होंगे। दोनों टूना और टूनी चिड़िया आपस में प्यार से बातें करते रहते हैं और हंसते रहते हैं और दोनों सपने देखते हैं कि हमारे जो बच्चों के बच्चे होंगे उनका ये नाम रखेंगे, उनका वो नाम रखेंगे, उनको ऐसे घुमाएंगे, वैसे घुमाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, इनके लिए हमें एक नया घर बनाना पड़ेगा, ये और भी चिंतित हो जाते हैं। दोनों बहुत ही प्यार से इन दोनों का इंतज़ार करते रहते हैं। तभी इनके दोनों बच्चे आते हैं और टूना और टूनी चिड़िया सारी बातें अपने बच्चों को बताते हैं। तो इनका जो बड़ा बेटा सोनू रहता है वो बोलता है, नहीं पापा, अभी हम आपकी खेती में मदद नहीं कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपने तो दुनिया देख ली है, मम्मी ने तो दुनिया देख ली है, हमने तो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी, हम तो इसी गांव में पैदा हुए और यहीं पढ़े, हम दोनों की इच्छा है कि हम शहर जाएं, शहर जाके घूम के आएं, शहर में थोड़ी पढ़ाई करें। टूनी बोलती है, बेटा हमारे पास तो उतने पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे। फिर उसका बेटा बोलता है, तो हमें पैदा क्यों किया, जब आपको हमें पढ़ाने के पैसे नहीं है, खिलाने के पैसे नहीं है तो पैदा क्यों किया, इससे अच्छा तो पैदा होते ही मार देती हमें। ये बात सुन के टूनी रोने लगती है, उसके पास कुछ शब्द नहीं रहता है, उसको बहुत ज़्यादा दिल में आघात लगता है। फिर टूना बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़मीन बेच दूँगा लेकिन तुम लोगों को शहर में पढ़ाऊँगा, बेटा तुम लोग शहर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए मैं अपनी ज़मीन भी बेचने को तैयार हूँ, तुम लोगों को पढ़ना है। अपने दिल पर पत्थर रख कर ये बात बोलता है। उसके बाद वो दोनों शहर चले जाते हैं, टूनी चिड़िया का मन नहीं लगता है, तो चिड़िया बोलता है, चलो हम लोग घूम के आए, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, बच्चों को तो जाना था, वो उड़ के चले गए, अभी हमारे पास तो कोई है नहीं, चलो। फिर वो टूना चिड़िया और चिड़ी दोनों अपना मनोरंजन करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है बच्चों के दूर चले जाने से, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इधर इनके बच्चों के शहर में दो कौवे से दोस्ती हो जाती है, जग्गू और बग्गू, दोनों ही बहुत अमीर कौवे रहते हैं और वो बहुत ही गुंडे रहते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता है। टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे एकदम मासूम रहते हैं और वो इन जग्गू बग्गू के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जो भी पैसे चिड़ा ने और टूनी चिड़िया ने अपने गहने बेचकर इनको दिए थे वो सारे पैसे न ये इन जग्गू मग्गू के साथ मिलकर उड़ाने लगते हैं। ये लोग डेली घूमता है, डेली खाना खाने बाहर जाएंगे, डेली पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, सारे पैसे बर्बाद करेंगे। और एक बार क्या होता है, इनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और दोनों बच्चों का बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। तो बग्गू जग्गू को बोलता है, जग्गू टूनी और के बच्चों का, सोनू मोनू का तबीयत बहुत ख़राब हो गया, हमें चल के देख के आना चाहिए। बग्गू बोलता, अरे हमें क्या जाना उन्हें देखने के लिए, वो है कौन, गरीब के बच्चे हैं, आए हम उनके पैसे खाए बस हो गया, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, क्या तुम उन्हें अपना दोस्त मानते हो। बग्गू बोलता है, नहीं, तो आइंदा से उनकी बातें मत करना। ये सारी बातें उनका एक दोस्त जो रहती है रूनी चिड़िया वो सुनती रहती है। वो जल्दी से टूनी के घर जाती है और टूनी और उसके पति को सारी बात बताती है कि कैसे आपके बेटे सोनू मोनू जग्गू बग्गू के चक्कर में पड़ गए, उनकी संगति में पड़ गए और सारे पैसे ख़त्म कर दिए, अब वो उनको कोरोना हो गया है और वो मौत की कगार पे खड़े हैं, आप जल्दी से जाइए और उन्हें बचाइए।
ये बातें वो बोलती है तो टूनी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे बेटा। उसी समय टूनी चिड़िया और टूना उनको देखने के लिए निकल जाते हैं और वे उनके पास पहुंच जाते हैं। उनके पास पहुंच कर देखते हैं तो वो दोनों एकदम बीमार पड़े रहते हैं, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं रहते हैं। टूनी चिड़िया बोलती है, बेटा हम आ गए, बेटा हम आ गए। अपनी माँ की आवाज़ सुन के दोनों बच्चों को बहुत पछतावा होता है और वो फूट फूट के रोने लगते हैं, माँ हमें माफ़ कर दो, माँ हमें माफ़ कर दो, हमें समझ में आ गया कि असली सच्चाई कहाँ है। असली सच्चाई माँ बाप के चरणों में ही है, आप हमेशा हमारे लिए सही ही सोचते हो, हम ही गलत थे। ऐसा करके फिर टूनी चिड़िया उन्हें गले से लगा लेती है और अपने साथ घर लेके चले जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कभी भी अपने माँ बाप की बातों का नराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो भी बोलते हैं हमारे भले के लिए बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमेशा हमारी अच्छाई ही छुपी